नमस्कार निर्माण न्यूज की विशेष रजूआत जीरो वर कार्यक्रम साथ हूँ छू यज्ञ त्रिवेदी। दर्शक मित्रों आज जीरो वर कार्यक्रम में बात करवानी छे के लाउडस्पीकर हवे शांत थशे के केम तेना लईने एक सवाल यथावत छे। एक बाजु एक व्यक्ति ए गुजरात हाईकोर्ट में जाहिर रीत की अरजी करी हती ने तेमणे एम कह्युं हतुं के जे लाउडस्पीकर में अजान वागे छे तेना कारणे सामान्य व्यक्ति ने तकलीफ में पड़ी रही छे। आ पहला जयरे नामदार गुजरात हाईकोर्ट में जे महत्वनी एक जे पिटिशन थई हती ने तेमां पण जे एक महत्वनो निर्णय पण ज रीते नामदार हाईकोर्ट द्वारा आपवामां आव्यो हतो के जे कोईपण जग्याए जे कोईपण प्रसंग योजातो होय एटले के पार्टी प्लॉटमां कोई प्रसंग होय अथवा तो कोईपण जे बीजा जे रिसोर्टमां कोई फंक्शन होय तो तेमां जे लाउडस्पीकर वागता होय ने तेना लईने पण पोलीस परमिशननी तेमना द्वारा जे वातो करवामां आवी हती ने तेनी साथे अजान मुद्दे जे आखो मुद्दो जे सामे आव्यो छे ने तेमां पण हाईकोर्टमां जाहेर रीतनी अरजी करनारा जे वकील हता ने तेमने पण अने साथे अरजदार ने पण जे धमकी मळी हती आ मुद्दे ते वात में एक सामे आवी छे। एटले के ज्यारे अजाननी वात थती होय ने तेमां पण ज्यारे आ धमकीनी जे घटना अत्यारे तो सामे आवी छे तेना लईने एक प्रश्नचिह्न यथावत जोवा मळी रह्युं छे કે કેમ આ પ્રકારની જે અત્યારે ધમકીઓ આપવામાં આવી રહી છે। અઝાનને મુદ્દે પહેલાં પણ જે ઘણા બધા જે પ્રશ્નો ઉઠાવવામાં આવ્યા હતા અને તેમાં પણ એમ જ કહેવામાં આવ્યું હતું કે ના જે પરિસ્થિતિ અત્યારે તો જે જોવા મળી રહી છે તેને ક્યાંક અટકાવવી જરૂરી છે, પણ ત્યારબાદ જે ચર્ચા વિચારણા હતા આક્ષેપ પ્રત્યાક્ષેપ હતા અને ત્યારબાદ કોઈ નિર્ણય અત્યારે તો આવતો ન હતો। આજ મુદ્દા ઉપર ચર્ચા વિચારણા કરવી છે। આ મુદ્દા ઉપર ચર્ચા વિચારણા કરવા માટે અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે સહલભાઈ કુરેશી કે જેઓ મુસ્લિમ અગ્રણી છે, અને સાથે ધર્મેન્દ્રભાઈ ભાવાણી આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે કે જેઓ વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના નેતા છે, અને સાથે જ દિલીપભાઈ ગોહિલ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે કે જેઓ રાજકીય વિશ્લેષક પણ છે જે આપ ત્રણેય સૌથી પહેલાં તો સ્વાગત છે। સહલભાઈ શરૂઆત આપનાથી કરીશ કે એક બાજુ આખા કેસની વાત કરવામાં આવે તો આખો જે કેસ સામે આવ્યો છે અને તેમાં પણ અઝાન મુદ્દે નામદાર હાઈકોર્ટમાં પણ જે અરજી કરવામાં આવી હતી અને અરજીમાં એવું જે સામે આવ્યું હતું કે મસ્જિદોમાં લાઉડસ્પીકર અઝાન વાગતી હોય તો તેના કારણે ક્યાંક સામાન્ય લોકોને જે તકલીફ પણ અત્યારે પડતી હોય છે અને તેના લઈને જે આ જાહેર રીતની અરજી જે દાખલ કરવામાં આવી હતી, સૌથી પહેલાં આપની પ્રતિક્રિયા તેને લઈને। देखिए यज्ञ भाई, सिर्फ अजान ही क्यों, मैं तो कह रहा हूँ जितने भी डीजे बजते हैं चाहे वो मंदिर में बजते हों चाहे कहीं पर भी बजते हों, ये तमाम चीजों पर बिल्कुल होनी चाहिए पाबंदी, और पहले से कानून है इसको लेकर कि कितने वॉल्यूम में बजाना किया है। बस उन्हीं कानूनों को सख्त करने की जरूरत है, उन्हीं कानूनों का कड़ाई से पालन किए जाने की जरूरत है, उसके अलावा नया नया कुछ करने की तो जरूरत है नहीं। अब इस मामले के अंदर जो जो संगठन सामने आते हैं ऐसे मस्जिदों के मामले में और मुसलमानों से जुड़े हुए मामले में, तो उससे तो उनकी मंशा ही साफ पता चल जाती है आखिरकार किस मंशा से ये किया गया है। बाकी मैं तो साफ कहता हूं, चाहे अजान हो चाहे डीजे हो चाहे मंदिरों में बजने वाले शाम के 7 बजे वाले माइक स्पीकर लाउड स्पीकर हो, तमाम वो चीजें रातों में भी जो बजती है चाहे वो शादियों में हो चाहे किसी कार्यक्रमों में हो, क्योंकि देखिए हर घर के अंदर कहीं ना कहीं बुजुर्ग होते हैं। आज एक ये भी रिकॉर्ड होगा कि कितनी ज्यादा नींद की दवाएं गुजरात की जनता को खानी पड़ रही है, सुकून नहीं है गुजरात की जनता को। कई बीमार लोग होते हैं बेचारे घरों के अंदर, वो हर मजहब के होते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर मजहब में होते हैं ये लोग। अब कई बीमार होते हैं बेचारों को पूरी रात, कई बुजुर्गों को नींद नहीं आती है, कई बीमार होते बीमारों को नींद नहीं आती है, और ऐसे में ये डीजे बजना और ये तमाम चीजें बजना तो यकीनन ये इंसानियत के खिलाफ है, ये तमाम चीजें तो होनी चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये है कि कोई नया कानून या कुछ नई चीज की नहीं, जो पहले से जो कानून जो कानून जो बने हुए हैं बस उसी पर अमल कराने की जरूरत, और वो अमल कराना ये तमाम काम पुलिस को और दूसरों उनके जिम्मे आता है, उनको ये काम करना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि अमल थतो ज नहीं है, बिल्कुल नहीं होता। देखिए 12-12 एक एक बजे मेरा घर है, मेरे घर के पास में बिल्कुल रिवर फ्रंट है, उस रिवर फ्रंट में सरकार खुद म्युनिसिपालिटी खुद परमिशन देती है, रात को 12-12 बजे 11:30 बजे वहां पर जोर जोर से डीजे बजने का आवाज आता है मेरे यहाँ पर भी। अब सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ मेरे घर में आता है, आश्रम रोड पे जितने लोग रहते होंगे जो फ्लैट से वहां पर भी उनका आवाज जाता होगा, कई घरों में बीमार बेचारे होंगे बुजुर्ग बेचारे होंगे जिन्हें नींद नहीं आती होगी उनको भी जाता होगा आवाज उसका, उनकी भी नींद में खलल पहुंचता होगा। तो बिल्कुल ये तो इंसानियत का काम है ना, सभी को सोचना चाहिए। तो इसको हिंदू ये बात साची, चलो अपने इंसान तमे जे रीते मांसानी वात करी अपने ये बात क्या कहते रहा तो एक्सेप्ट करी दे के ना मांसानी रीते तो अत्यारे तो ये समझवू बहु जरूरी छे। तो अजान मुद्दो आवे छे तो त्यारे जे आ मुद्दो अत्यारे उठाववामां आवे छे तो केम तमारा द्वारा पण एम नथी कहेवामां आवतुं ना, तो तमारा समाज द्वारा पण एम कहेवामां आवतुं के ना अमे पण आ मुद्दा उपर अमे विचारीशुं एम? नहीं, आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे समाज की तरफ से नहीं कहा जाता?
मेरे पिताजी खुद आलिम है, वो गुजरात हाईकोर्ट की लीगल सर्विस अथॉरिटी के अंदर कई सीनियर मेंबर और कंसल्टेंट रहे। वो हमेशा हर मस्जिद के लोगों को उन्होंने समझाया, वो हमेशा बोलते इस बात को कि भाई आवाज जो है वॉल्यूम कम रखना चाहिए, किसी को परेशानी इतना नहीं होना चाहिए। कैसे कह सकते हैं कि नहीं मुसलमान लोग नहीं करते? बहुत मुसलमान है, काफी सब मुसलमान है जो लोग बोलते हैं इन बातों को। बात यह है कि नहीं नहीं यहाँ पर बात यह है, नहीं नहीं बात यह है कि इसको हिंदू मुसलमान के नहीं 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 जारे नहीं તમે એમ નહીં તમે એમ કહો છો ને કે ના અત્યારે હાલ તો તમામ લોકોએ સમજવું જરૂરી છે તો જે પ્રમાણે ગરબા પણ થતા હોય છે એ પણ રાત્રે 12 વાગ્યા પછી બંધ થઈ જતા હોય છે એમાં પણ જ્યારે નહીં 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 જ્યારે જ્યારે એમ કહેવામાં આવે છે કે ના અત્યારે 12 વાગ્યા પછી નહીં નહીં અત્યારે હાલ તો થવા જોઈએ કે ના અત્યારે હાલ કોઈને એ નથી થતું પછી અરે હોતે ભાઈ એક એક બજે તક કે આવાજ આતી હૈ ગરબો કે ગાનો કી ક્યા બાત કર રહે હૈ આપ પતા નહીં આપ કહાં રહેતે હૈ આપકો ये आवाज आती है कहाँ रहते नहीं हम भी यहाँ पे ही रहते हैं और हमें भी पता है नहीं एक एक बजे तक आवाज आती है गरबों के भी गाने की मेरे भाई शादियों के प्रोग्राम हो गर मैं सबकी बात कर रहा हूँ मैं नहीं हमारे पास पुलिस परमिशन नहीं जरूर जाने हमारे पास पुलिस एम एच कहते ना 12 वाग्या पी बंद है ना दरेक जगह बंद थत हुए छे यही बात भी नहीं है ये काम पुलिस का है अमल करवाना पुलिस से बोलकर बंद हो गया एक बजे नहीं होता है एक एक बजे तक आवाज आती है रात को 1:30 बजे तक आवाज आती है गरबों की भी એટલે એ આવે તો એ ચાલે અને આ બાજુ એટલે આ બાજુ એ પણ જે અઝાન અત્યારે તો વાગતી એ પણ ચાલે એમ ને એટલે જો ગલત હૈ વો ગલત હૈ ચાહે વો મંદિર કી તરફ સે હો ચાહે વો મસ્જિદ કી તરફ સે હો ઇસકો મંદિર મસ્જિદ સે નહીં દેખના ચાહીએ ઇસકો એક એંગલ સે દેખના ચાહીએ પાલન થવું જોઈએ ધર્મેન્દ્ર ભાઈ આપ કહી દો જોઈએ તો કાયદાનું પાલન થવું જોઈએ કે નહીં આપ શું માની રહ્યા છો આ મુદ્દે હું સ્પષ્ટ માનું છું અજાન અને અજાન માટે જે કઈ પરમિશન લેવી જોઈએ એ કલેક્ટર પાસે ઓથોરિટી છે આજે દેશભરની તમામ એક પણ મસ્જિદની અજાન માટેની કેટલી પરમિશનો છે હું એમને પૂછવા માંગુ છું અને ગરબા કેટલા વગર પરમિશને થાય છે હું એને પૂછવા માંગુ છું અજાનની સાથે અર્થઘટન કરી અને મારા મિત્ર બતાવે ટીવી ના માધ્યમથી બધા સાંભળે ત્યાં અજાન અને અજાન ના માધ્યમથી જે વાતાવરણ ખરાબ કરવામાં આવી રહ્યું છે આજે એક પણ દુનિયાના હિન્દુ મંદિરોમાં કે ગરબાઓમાં કોઈને મારવાની વાત કરવામાં નથી આવી હિન્દુ સમાજ જાન્યુઆરી 1990 કાશ્મીર ઘાટીને નથી ભૂલ્યો આજ લાઉડ સ્પીકરના માધ્યમથી આજે દરેક મસ્જિદોની અંદરથી એલાન કરવામાં આવ્યું અલ્લાહ ઇઝ અવર લીડર કુરાન ઇઝ અવર કોન્સ્ટિટ્યુશન એન્ડ જિહાદ ઇઝ અવર વે आप झूठ फैला रहे मेरे भाई पहले अजान का बिल्कुल सच्चाई है राष्ट्रीयता की बात नहीं होती साल भाई एक मिनट सर भाई मैं कहना चाहता हूं कि अजान कलेक्टर के पास परमिशन लेकर के आज कितने मस्जिद में हो रही है वो इस्लाम के मेरे बंधु सोचे आज आईपीसी 219 का अभ्यास करिए आज हिंदू विस्तारों में अजान होती है आज कोई हिंदू आवाज उठाता है तो सबको बुरा लगता है आज मुस्लिम विस्तारों में मुझे बताओ कौन से गरबे के कारण कौन परेशान हुआ गणपति महोत्सव में कौन परेशान हुआ डीजे में कौन परेशान हुआ किसी को मार काटने की बात नहीं होती है हमारे यहाँ सर्व के सुख की कामना होती है और सर्व के सुख की कामना करने के लिए अगर अजान में कहा जाएगा तो अजान हमें मान्य है लेकिन परमिशन लेकर हम आम पर कायदा अमलीकरण नहीं बात आई सहल भाई छे तो
तो ये भी एक अजीब है कि मैं अर्जी दूं और उसके बाद कोई कह के नहीं, सल भाई आप हट रहे तो कोई बात नहीं, मैं आपकी अर्जी लड़ लूंगा, चलिए कोई बात नहीं। दूसरा, मैंने पहले ही कहा कि देखिए मंशा पर सवाल उठते हैं कि आप किस चीज को लेकर कोर्ट में जा रहे हैं, तो आपके पेट में दर्द हो रहा है, आप सर दर्द बता रहे हैं, ये साफ पता चल रहा है इसमें। और जो भाई ने बताया धर्मेंद्र भाई ने कि अजान का मतलब जिहाद होता है, ये होता है, अरे अजान का मतलब समझिए, उसके अंदर जो अल्फाज कहे जाते हैं कि आइए कामयाबी की तरफ आइए, आइए इबादत की तरफ आइए, ये वो अल्फाज हैं। तो क्या गुनाह है ये कि किसी को आप कामयाबी की तरफ बुलाएं, किसी को आप इबादत की तरफ बुलाएं, क्या गुनाह है क्या ये? और साथ हाँ साल भाई, डांग डूंग बजता है तो उससे आपको तकलीफ नहीं होती है गर्भे के? आप कह रहे हो कि किससे क्या तकलीफ होती है? अरे रंग डाले गए अभी होली के ऊपर बुरके वाली महिलाओं के ऊपर, और ये उसको आप अंग्रेज एक औरत ने अपने वीडियो में ये कहा कि कलर डालने के नाम पर मेरे पास आए, मेरी छाती के अंदर हाथ डाल के मेरे पूरे निप्पल दबा दिए, ये कि एक अंग्रेज लड़की ने ही पूरा इंटरव्यू अपना दिया, तमाम वायरल हुआ। साहल भाई, साहल भाई, पहला 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 कई मुझे मेरा मुंह मत खुलवाओ, मेरा बात करवानी है साहल भाई, प्लीज महिलाओं को तकलीफ होती है, मेरा मुंह मत, आ रीते बात ना करो, आ रीते बात ना जोइए प्लीज। काम दुनिया में आपने किया है, उतना किसी ने नहीं किया है। जो बोलना है बोलिए, आप जो बोलना है बोलिए। इस्लाम इज सिंगुलर टेररिस्ट, आतंकवादी पैदा करने का काम तुम करते हो, कैसे हिंदू समाज पर आरोप लगाते हो? कलेक्टर ની પરમિશન ની વાત આવે છે, મને એ જ કોને જો ધર્મેન્દ્ર ભાઈ જે રીતે કહ્યું કે ના કલેક્ટર ની પરમિશન અત્યારે તો કેટલા જોડે છે, પરમિશન ના આધારે ચાલતું હોય તમે એમ કહો, ચલો તમે કાયદાની વાત કરો છો ને, હું કાયદાની એ રીતે જ આપણે વાત કરીએ ને, કિતને મંદિરો કે પાસે પરમિશન બતાઈ આપ કે લિયે મોટા મોટા બધા પાર્ટી પ્લોટ ને બધે બંધ થઈ જાય છે ને? અરે મેં રહેતા હું વહાં પર આવાજ આતી, તમામ ગરબા 12 વાગ્યા પછી બંધ થાય છે, અને તમામ સંચાલકો સાથે શાંતિ સમિતિ ની મીટિંગ માં જો કુછ તે હોતા હૈ ઉસી પ્રકાર ચલતા હૈ, નહીં કે जैसे आपने, अब मुझे आप बताओ आपने एक भी मस्जिद की अजान की परमिशन लिए फिर घर में? बिल्कुल बिल्कुल होगी परमिशन। और अच्छा ठीक है, सुनिए आप बताइए, ठीक है अब बोलने दीजिएगा, बीच में मत बोलिएगा। अब एक बात बताइए धर्मेंद्र भाई, आप जो बोल रहे हैं कि अजान की परमिशन, आप अगर असली भारतीय हैं, आप अगर संविधान को मानते हैं, तो आपको कानून की बात करनी चाहिए कि भाई अजान के साथ साथ मंदिर वाले भी बताएं परमिशन कहाँ है उनके पास में है। संविधान को तो हम मानते हैं, आप शरीयत को मानते हो, संविधान को नहीं मानते हो, शरिया का कानून ही आपका संविधान है साहब। वो तो भारत का पूरा पूरी दुनिया देख रही है कौन संविधान को मान रहा है कौन नहीं मान रहा है, दुनिया देख रही है। जो आपने बात की आतंकवाद की, देश का सबसे पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे था, इसने महात्मा गांधी के, नाथूराम गोडसे देश का पहला आतंकवादी नहीं था? मैं अगर बताना शुरू करूंगा तो आपके साथ बोलने के लिए कुछ रहेगा नहीं। बोलिए नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद नहीं बोलेंगे आप, क्योंकि आप में हिंसा आपके खून में बसी हुई है। हकीकत यह कि असली आतंकवाद आप, आतंकवाद का सीधा रास्ता तुम्हारे पुराने शरीफ में जाता है, आतंकवाद का सीधा रास्ता तुम्हारे हदीस में जाता है। ચલો તમે કાયદાની વાત કરો છો, અમલીકરણની વાત કરવામાં આવે છે, હું કોઈ એકની વાત નથી કરતો, બધાએ કાયદાનું અમલ કરવો બહુ જ જરૂરી છે, પણ જ્યારે આ પ્રકારની જ્યારે કોઈ પણ રજૂઆત થતી હોય, જાહેર રીતની અરજી થતી હોય, તો તે વ્યક્તિની ઉપર તેમને કેમ ધમકી આપવામાં આવે, તેના લઈને પણ એક સવાલ યથાવત છે ને સહલ ભાઈ? देखिए धमकी वाली बात में कितनी सच्चाई है नहीं है मैं तो कुछ नहीं कह सकता, कोर्ट का काम है, जिसे धमकी दी है, जिसको धमकी दी है कोर्ट करेगी वो काम, मैं उसमें क्या बोल सकता हूँ? जो गलत है वो गलत है भाई, धमकी आप किसी को भी दो, जैसे तो धमकी तो ये हिंदू महापंचायत बनाकर राजस्थान पुलिस को धमकी दी गई थी कि भाई आप अगर जिन्होंने जलाया, जिन पर आरोप लगा, उन आरोपियों को आप पकड़ोगे अगर, तो पुलिस पैरों पे वापस नहीं जाएगी, क्या उन धमकी देने वालों के खिलाफ कार्रवाई हुई कुछ अभी तक? कार्रवाई तो सबके खिलाफ होनी चाहिए ना, कानून तो सबके लिए है ना,
અમલીકરણ થાય છે તો પણ આ મુદ્દો જયારે ઉઠે છે તો ત્યારે કેમ અત્યારે ધર્મની વાત આમાં વચ્ચે આવતી હોય છે? હું માત્ર કોઈ એક ધર્મની વાત નથી કરતો, હું એમ જ કહું. ચાલો બધાને આ જે લાઉડસ્પીકરનો જે વિવાદ જે અત્યારે સામે આવ્યો છે તમામ લોકોએ પાલન કરવું બહુ જરૂરી છે, પણ જયારે અઝાનની વાત આવતી હોય તો ત્યારે હું સલભાઈ આપણે પણ યાદ દેવડાવી દઉં કે નેધરલેન્ડ, ફ્રાન્સ, જર્મની, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, યુકે, ઓસ્ટ્રિયા, નોર્વે, બેલ્જિયમ અને ઇન્ડોનેશિયા તો અત્યારે જેમ કહેવાય છે કે ઘણા બધા ત્યાં જે મુસ્લિમ પણ ત્યાં અત્યારે રહેતા હોય છે, ઘણી મોટી અત્યારે તો તેમાં પણ તેમની જે જનસંખ્યા પણ ત્યાં છે, તેમાં જો આ પ્રકારનો જે નિર્ણય આવતો હોય, અમલીકરણ થતું હોય તો આપણે અહીંયા કેમ નહીં? મારો સવાલ અત્યારે લઈ છે. देखिए, हमको मलेशिया के संविधान से नहीं चलना है, हमको अमेरिका ब्रिटेन के संविधान से नहीं चलना है. जब अगर आपको ये बात अच्छी, यज्ञ भाई मैं वही तो बात बोल रहा हूँ कि देश के अंदर पहले से इन बातों को लेकर कानून है, उसको अमल कराने का काम सहल कुरेशी का या धर्मेंद्र भाई का या यज्ञ का काम नहीं है. ये काम पुलिस का काम है, प्रशासन का काम है. और मैं दोबारा कहूंगा, देखिए जो अजान के बारे में जो धर्मेंद्र भाई ने कहा कि धर्म अजान में ये कहा गया कि जिहाद करो, मैं बताता हूं अजान का जो मतलब है ना, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, वो अल्लाहु अकबर ये होता है कि ईश्वर सबसे महान है, ईश्वर सबसे बड़ा है. तो गलत क्या उसके अंदर? फिर उसमें बात की जाती है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कि मैं गवाही देता हूँ प्रॉफिट मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, इसमें गलत क्या है? उसके बाद फिर कहता है अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, नबी है. उसके बाद जो तमाम चीजें हैं, आओ कामयाबी की तरफ, आओ इबादत की तरफ, एक भी अल्फाज इसमें कुछ गलत हो तो बताइए. आपके लिए चैलेंज देता हूँ, कार्रवाई करिए अगर कुछ गलत अल्फाज है तो. चलिए आप धर्मेंद्र भाई फैलाते हैं. और देखिए एक और बात मैं बताऊंगा, ये धर्मेंद्र भाई जैसे जो भी हिंदू संगठन के लोग आते हैं जो बातें बोलते हैं, मेरा हिंदू भाई कुरान पढ़ने के लिए आप लोग मजबूर कर रहे हो मेरे हिंदू भाइयों को. मेरा हिंदू युवा भाई कुरान पढ़ेगा मजबूर होकर आपकी बातों को सुनकर, कि आखिरकार इस्लाम में ऐसा तो क्या है कि इतनी नफरत, इतना ज्यादा ये सब चीजें हो रही है. वो कुरान पढ़ेगा, वो इस्लाम ला रहा है कुरान पढ़कर पूरी दुनिया के अंदर, अमेरिका के अंदर, बर्तानिया के अंदर, हर जगह पर जो कुरान आज जो इस्लाम फैल रहा है उसकी वजह यही है कि जो यूथ है, जो युवा है. જે ઓકે સલભાઈ, હું આપને રોકવા માંગુ છું. ધર્મેન્દ્રભાઈ આપ શું કહેવા માંગશો? કારણ કે આમાં માત્ર સલભાઈ છેલ્લે એક જ વસ્તુ કહી રહ્યા છે કે ના, કાયદાનું પાલન કરો. કાયદાનું પાલન થશે, પોલીસો અત્યારે તેનું અમલીકરણ કરાવશે તો બધું. કાયદાના પાલનની વાત કરે છે અને કાયદો તોડવાનું કામ જ કોણ કર્યું છે? પાકિસ્તાનની અંદર મસ્જિદમાં લાઉડ વગાડવા હોય પરમિશનની જરૂર છે. અને હું એને પૂછવા માંગુ છું કે તમે રામ ભગવાન માનો છો, ભગવાન માનો છો, દુર્ગાને દેવી માનો છો, ગણેશને ભગવાન માનો છો, શિવને ભગવાન માનો છો? ક્યાં વિરોધ છે? મારું સ્પષ્ટ છે, જેને પણ માનવતાના ઉપનિષદ, દર્શન શાસ્ત્ર એન્ડ શ્રીમદ ભગવદ ગીતા, અને માનવતાની વાત એ કેવલ ઓર કેવલ હિન્દુ શાસ્ત્ર કરી શકવાના છે. વિશ્વને વેપારની વાત નહીં, પરંતુ વિશ્વને પરિવાર, હિન્દુ પરિવારને કોઈ તોડવાનો પ્રયત્ન કરે તો યુદ્ધે જ કલ્યાણ. આપને કહા કે નથુરામ પહેલે, નથુરામ પહેલે આતંકવાદી હે. મેં કહેતા હું 1400 સાલ સે તુમ્હારા ઇસ્લામ આતંકવાદ પેદા કરતા હે. હિન્દુઓને કભી આતંકવાદ પેદા નહીં કિયા હે. 1400 સાલ સે આતંકવાદી પેદા કરને કા કામ તુમ્હારે કુરાન કે જરીએ ઓર હદીસ કે જરીએ હોતા હે. 7 સાલ કા નિર્દોષ બાલક મદદ સામે જાતા હે, 17 સાલ કા આતા હે તો હિન્દુ કાફિર દિખતા હે ઓર હિન્દુ કો મારને કે લિયે દોડતા હે. ક્યા વાત કરતે હો? ठीक है, चलिए आपको वोट मिल जाते होंगे ये सब कहने से, आप वोट लेते रहिए, कोई बात नहीं. अच्छा एक बात बताइए, भारत माता की जय कहां है? हमारा राजकारण तमे ऐड करो जो अब. धर्मेंद्र भाई आप ये बताइए, इस्लाम कब आया? आपको क्या नॉलेज है इस्लाम के बारे में, बताएंगे जरा कब आया इस्लाम?
जवाब दूंगा। आप कहो मेरी बात का जवाब करते हो आप, कश्मीर पहुंच गए आप बिना वजह लेकर, अरे कश्मीर पर डिबेट करते हैं जब अजान की बात आती है तो तुम्हारे मस्जिद के लाउड स्पीकर में से नहीं बोला गया था। चलिए 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 कश्मीर पर डिबेट करते हैं, चलिए आइए आप कश्मीर पर। सवाल कुछ होता है पहुंचते हैं, अरे कश्मीर में तुमने हमारे हिंदुओं को भगाया, अजान के माध्यम से भगाया और अजान के माध्यम से आज कश्मीर घाटी हिंदू भी इनकी, कौन से भाईचारे की बात करते हो, हिंदुओं को प्रताड़ित करते हो और भाईचारे की बात करते हो। अरे धर्मेंद्र कौन सा भाईचारा होता है, पर हंस रहा होगा अभी, इस्लाम कब आया बताइए क्या। अरे कौन किस पर हंस रहा है उसकी चिंता आप क्यों करते हो, अरे आप मेरे आप भाई क्यों करते हो, चिंता है आपकी, आप मेरे भाई है, आप हमारी चिंता मत करिए, मुझे वो परवाह इसलिए आपसे आपकी चिंता करिए। अजान से ही कश्मीर घाटी में ऐलान हुआ था, आप नहीं स्वीकार करते हो, आने वाले समय में यहाँ पर भी मदरसाओं में आतंकवादी तैयार करके हमारे सामने अजान में हमारे साथ हमारे खिलाफ लाउड स्पीकर पर से ऐलान नहीं किया जाएगा उसकी गारंटी आप देते हो। मैं कहता हूं मैं गारंटी देता हूं कि मेरे मंदिरों में सर्व के सुख की कामना होगी, अकेले हिंदुओं की कामना नहीं होती है। धर्मेंद्र भाई थोड़ा इंसानियत में जीना सीखे, थोड़ा इंसानियत में जीना सीखे, कानून की बात करें। आप जो बात कर रहे हैं कि मैं राम को मानता हूं नहीं मानता, मैं आपके यहाँ पर निर्माण न्यूज में जीडीपीएल न्यूज में कई बार मैं बोल चुका हूँ कि आप जिसे मनु भगवान बोलते हैं उन्हें नूह अलैहिस्सलाम बोलते हैं, हम तो ये भी कहते हैं कि बाप जिन्हें भगवान राम बोलते हैं हो सकता है वो भी हमारे कोई नबी रहे हो, हमारे कोई जाबी रहे हो, मैं मना नहीं करता इन बातों को, मैं खुले दिल से सीधो सवाल जाहिर इतनी अर्जुनी बात होती है अन्य मुद्दों पर दे रही हूँ। आप वाहियात बातें आप कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ कोई वाहियात बात, आप करते हो वाहियात बात आप करते हो ओके सोल भाई सोल भाई सोल भाई सोल भाई एक सवाल नो जवाब मैं आप दो एक मिनट सोल भाई एक सवाल मन जवाब आप दो तमे एम कहो कि आने कोई धर्म साथ तरह तो ना जोड़व जो तमाम माटे आ कायदो योग्य होवो जोईए जयरे जाहिर रीतनी अर्जी थे तेमा पण गैरकायदेसर जयरे मस्जिदों की बात थती होय छे के त्यां एने पण अत्यार तो जे तोड़वी बहु जरूरी छे दबाण करवू बहु दबाण हटाव बहु जरूरी छे तो त्यारे केम अत्यारे तो धर्म पर आ जतुं होय छे तमे जो तमे कानून अने कायदानी तो तमे बात करता होय ना तमे एने एक्सेप्ट करता होय तो आ वस्तु पण तमारे एक्सेप्ट करवी जरूरी छे के नहीं। अरे मैं एक्सेप्ट करता हूं, मैं वापस इस बात को कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट खुद इस बारे में एक पूरी गाइडलाइन जारी करके एक पूरा एक डेट तय करे सरकार के साथ में सर्वे करके और सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि भाई एक कोई तारीख मुकर्रर कर ले कि भाई 1980 या 85 या 90 या जो भी सरकार सुप्रीम कोर्ट जो तय करे, उसके बाद जितनी भी सरकारी जमीनों पर चाहे मंदिर बने हो चाहे मस्जिद बने हो सब तोड़े जाए, चूंटणी आवती होय चूंटणी माटे आवा बधा मुद्दा होय छे। अरे क्योंकि कानून का गलत इस्तेमाल होता है, सिर्फ एक धर्म के खिलाफ कानून का इस्तेमाल किया जाता है, आमा जे उपयोग करे हवे ए खोटो एम एटले बिल्कुल एक ही कानून है तो मंदिर पर भी वही लागू होना चाहिए, क्यों सिर्फ मस्जिद पर लागू होता है मंदिर पर लागू नहीं होता है, ऐसा क्यों होता है सिर्फ मुसलमानों के मकानों पर लागू होता है हिंदुओं के मकानों पर लागू नहीं होता है, ऐसा क्यों होता है। राजकीय केम लई जाओ छो तो जारे तमे कायदो अने कानून नी वात करो छो तो त्यारे बधुं बधा माटे सरखुं छे ने, કે મંદિરોની અંદર સંચાલકો જે રીતે તંત્ર સાથે મળી અને સમય મર્યાદા નક્કી કરતા હોય છે
એના પછી ડીજે વગાડતા હોય છે. એવી જ રીતે અજાન માટે પણ એમના ધર્મગુરુઓ એ તંત્ર સાથે બેસી એને નક્કી કરે અને પરમિશન લે. બિલકુલ. અને પરમિશન વગર એક પણ મસ્જિદ ઉપર કોઈ પણ પ્રકારની અજાન થાય તો એની પર કાયદેસર કાર્યવાહી થવી જોઈએ એ હું સ્પષ્ટ માનું છું. ગાંધીનગરમાં જે પીઆઈએલ દાખલ કરવામાં આવી એ બંને ઉપર ધમકીની જે વાત કરવામાં આવી 100% સત્ય છે. અમારો જ કાર્યકર્તા શક્તિસિંહ આ લડાઈ લડી રહ્યો છે, અમારો ધર્મ યોદ્ધા છે, અને શક્તિસિંહને કોઈએ ધમકી આપવાની વાત કરી તો હિન્દુ સમાજ જડબાતોડ જવાબ આપશે. અમે કોર્ટના માધ્યમથી આનું પરિણામ લાવીશું. તો એક બાજુ જે રીતે નામદાર હાઈકોર્ટમાં જે અરજી જે દાખલ કરવામાં આવી છે અને તેમાં પણ 12 એપ્રિલ સુધીમાં વિગતવાર સોગંદનામું છે રજૂ કરવાનું પણ અત્યારે તો રાજ્ય સરકારને કહેવામાં આવ્યું છે. તો હવે જોવાનું એ રહ્યું કે કયા પ્રકારની પરિસ્થિતિ સર્જાશે. તેની સાથે સહલભાઈ અને ધર્મેન્દ્રભાઈ આ બંનેનો આભાર અમારી સાથે આ ચર્ચા વિચારણામાં જોડાવા માટે. તો દર્શક મિત્રો આજની વિશેષ રજૂઆતમાં બસ આટલું જ આપશો. નમસ્કાર.